वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल माझी शाळा बोरकर सर, माय ट्रैवल व्लॉग। दोस्तों, जब मैं सफ़र कर रहा था तब आप हर जगह पर देख सकते हो इस वीडियो में हरियाली ही हरियाली है। जिस तरीके से एनवायरनमेंट ने मुझे और मैंने एनवायरनमेंट को जिस तरीके से समझा है, उस तरीके से आप भी इस वीडियो में देख सकते हो किस तरीके से शानदार तरीके से अपने को ये बादल, उसके बाद में जो हम हरियाली भी देख रहे हैं इस वीडियो में, इस तरीके की हरियाली हर जगह पर अपने को नहीं मिलती और वो हर साल अपने को नहीं मिलती है। वो मिलती है सिर्फ इस साल में। जो साल आज हम जी रहे हैं, जो साल हम आज अभी जी रहे हैं, वो साल है बारिश का मौसम। बारिश के मौसम में हम देख सकते हैं कि जैसे किसी नई नवेली दुल्हन की तरह हमारी जो सारी सृष्टि है, वो सारी सृष्टि पूरी तरीके से खुद को पूरी तरीके से सजाई हुई बैठी है। बस अपने को क्या करना है, तो उस नज़रिए से देखना है, उस नज़रिए से हमें इस सृष्टि की तरफ देखना है। जिस तरीके से आपकी दृष्टि होगी, उस तरीके का आपको नज़ारा दिखेगा। तो आप यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति भी देख सकते हो। इस हनुमान जी की मूर्ति हमें चाचेर में मिली, यानी चाचेर में जब हम प्रवास कर रहे थे तब ये मूर्ति हमें वहाँ पर दिखी थी। तो बहुत ही अच्छी तरीके से वो मूर्ति भी थी। इसके बाद हमने क्या किया, तो सफ़र करते करते थोड़ी भूख भी लग जाती है, सो हमने नाश्ता भी कर लिया। और यहाँ पर आप देख भी सकते हो बाहर का नज़ारा भी। और इस तरीके से यहाँ पर क्या बोलती इसको, फराड़े और सो मेनी थिंग्स वहाँ पर थी। बहुत ही टेस्टी था वहाँ पर का जो भी खाना था वो सब। उसके बाद मैं जब गांव में गया तब मुझे यहाँ पर ध्यान में आया कि हम तो अभी स्वातंत्र्य दिन, 75वां स्वतंत्र दिन हमने क्या किया है, तो सेलिब्रेट किया है। फिर भी आप स्कूल, जो स्कूल का रास्ता है वो आप देख सकते हो। इस रास्ते से स्कूल के बच्चे अभी भी स्कूल के बच्चे यहाँ से अपना ट्रैवल करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। और आप देख ही सकते हो उस तरीके का हालातों से वो गुजर रहे हैं। उसके बाद हमने और अपना ट्रैवल को आगे बढ़ाया और ट्रैवल को आगे बढ़ाते बढ़ाते हम अभी जाएंगे एक ऐसी जगह पर जहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से हमें अपने खुद के एनवायरनमेंट को समझने के लिए, या फिर भारत की जो भी वारसा जो बोलते हैं, भारत संस्कृति का वारसा जो बोलते हैं, जैसे किले होते हैं और सारी चीज़ें होती है उस तरीके से। तो रास्ते में हमें ये सारी चीज़ें मिली है, जैसे बहुत सारी कंपनियां मिली है और ये भी कंपनियां राइस मिल, वहाँ पर आपने देखा ही होगा कि किस तरीके से जो खेत है वो खेत किसके थे, तो वो खेत भात के ही खेत थे। और उस तरीके से खेत आपने देखे, और ऑब्वियसली जिस जगह पर जिस की पैदाश होती है उस तरीके से, यानी कि उत्पन्न होता है जिस तरीके से, वहाँ पर जिस चीज़ का उत्पन्न होता है उस तरीके से वहाँ पर फैक्ट्रियाँ मिलेंगी। तो इस तरीके से फिर हम जाते जाते हमें एक लाल तरीके का कुछ तो भी दिखा, तो मैंने झूम करके देखा तो मुझे वहाँ पर नगरधन का किला नज़र आया। फिर नगरधन का किला नज़र आने के बाद हमने सोचा कि ट्रैवल तो कर ही रहे हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। तो हमें 6 किलोमीटर हमारे जो स्टार्टिंग की पोजीशन यानी ट्रैवलिंग की पोजीशन थी, वहाँ से 6 किलोमीटर वहाँ पर जाना था। तो यहाँ से नगरधन के फोर्ट की तरफ हमने ट्रैवल शुरू किया है। तो इस तरीके से आप इस गांव का नज़ारा भी देख सकते हो। ओके, वहाँ पर पास में अभी नगरधन का किला भी आप लोगों को दिख ही रहा होगा। यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर भी है, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत नगरधन का किला बहुत ही अच्छा है। चलो आज अंदर जा कर के देखेंगे अभी क्या है, किस तरीके से नगरधन का किला बना हुआ है। ये तो फोटोज़ वगैरह डाल दिया है। लेट्स स्टार्ट, वी आर गोइंग इन फोर्ट। यही तो है चीज जो महाराष्ट्र को बहुत ही गहराई से, बहुत ही डिफरेंट तरीके से महाराष्ट्र को अलग ही स्टेट बनाता है। अभी हम अंदर जाने वाले हैं, थोड़ा सा बाहर से देख रहे हैं कि किस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर गया हुआ हूँ मैं 2-3 बार। चलो अभी एंट्री कर लेते हैं। तो मैं एकदम ध्यान से वहाँ पर मैंने देखा, तो वहाँ पर जब पायरिया जो बोलते हैं हमारी तरफ, तो वहाँ पर मैंने देखा कि कुछ तो लगा हुआ था और पूजा भी वहाँ पे करते हैं। तो इस तरीके से अंदर का नज़ारा आप देख सकते हो। यहाँ पर जो
आपको अंदर में नहीं दिख रहा होगा या फिर दिख भी रहा होगा, अंदर में एक आदमी बैठे हुए थे, तो उन्होंने हमें कहा है कि आप वहाँ पर कैमरा नहीं ला सकते हो, लेकिन हमारा जो मोबाइल था वो कैमरे को भी क्या बोलते हैं उसको मात दे सकता है, इस तरीके से हमारे मोबाइल की क्वालिटी है। सो आप देख सकते हो किस तरीके की क्वालिटी भी, तो ये देखो अंदर से बहुत ही गजब तरीके का नज़ारा, बहुत ही यहाँ पे देख करके मुझे बहुत ही गजब तरीके से, यानी मैं आपको यहाँ पर बता नहीं सकता इस तरीके से मुझे वहाँ पर खुशी हो रही है। फिर इसके बाद हमने यहाँ पर देखा तो यहाँ पर अंदर जाने का यानी ऊपर जाने के लिए ये देखो छोटा सा रास्ता भी बना हुआ है, तो यहाँ से हम अंदर चले गए। फिर आगे जाने के बाद हमें यहाँ पर एक छोटी सी ये मस्जिद टाइप की यहाँ पर हमें दिखी है, सो इसका भी हम रिस्पेक्ट करना चाहिए और हम रिस्पेक्ट करते हैं इस वीडियो से भी, क्योंकि इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री, सो वी नीड टू बी रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजियन। ओके, तो इस तरीके से हम और आगे बढ़ते गए। यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से अभी ये तो ये नया तरीके से अभी इसको बनाया हुआ है, पेंटिंग वगैरह थोड़ी होने को है, लेकिन बहुत ही अच्छी तरीके से दिख रहा है। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर छोटा सा ये कैसे चर्चा के लिए बनाया होगा वहाँ पर उन्होंने, तो यहाँ से हम और आगे जा रहे हैं और आगे में बता रहे हैं मेरे भाई कि वहाँ पर उस तो भी था, तो यहाँ पर मैंने डैशिंग करके एक फ़ोटो भी डाल दिए बहुत अच्छी तरीके से, फिर ये भी फ़ोटो वहाँ पर डाल दिया है, ये भी एक छोटी सी फ़ोटो आप यहाँ पर देख सकते हो क्योंकि फ़ोटो निकलने का शौक है। इसके बाद मैं ऊपर जा रहा हूँ, अभी ऊपर से हम नज़ारा देखेंगे कि किस तरीके से ऊपर से दिखता है पूरा माहौल, बहुत ही अरे दिल खुश हो गया जैसे वहाँ पर गए हम, यानी कि हम बोलते हैं ना मराठी में पैसे खंडले, बस पैसे खंडले। बहुत ही अच्छी तरीके से वहाँ पर एनवायरनमेंट ने मुझे और मैंने एनवायरनमेंट को समझा, बहुत ही अच्छा लगा वहाँ पर। आप भी वहाँ पर जाओ और यहाँ का जो फोर्ट का नज़ारा है, इस फोर्ट का नज़ारा देखो, अपने महाराष्ट्र की संस्कृति के जपो, इस तरीके से हम अपने महाराष्ट्र की जो भी वारसा है वो हमें आगे चल कर के उसे जपना भी है और उसे आगे भी बढ़ाना है। इसलिए आप इस वीडियो को शेयर भी करो ज़्यादा से ज़्यादा, बताओ उन लोगों को कि महाराष्ट्र में क्या है, तो महाराष्ट्र में इस तरीके के फोर्ट भी होते हैं और आपको इन फोर्ड को देखने के लिए आना भी पड़ेगा। सो देख सकते हो आप यहाँ पर बहुत ही गजब दिखता, वहां से जब मैं देख रहा था तो बहुत ही गजब, यानी कि आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स, बहुत ही गजब मुझे दिख रहा था वहां से। फिर मैं यहाँ से एकदम डैशिंग करके जो फिल्मोग्राफी में होते हैं उस तरीके का मैंने बोला कि इस तरीके का सीन निकाल दो अगर हो सकता है तो। सो माय ब्रदर कज़िन ब्रदर ट्राई, और ये देखो बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने निकाला है पूरा नज़ारा, वो आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, बहुत ही गजब तरीके का वहाँ पर दिखता है। एक बार आप जा कर के देखो और वहाँ का मज़ा तो लेकर के देखो ही देखो, नगर धन ज़्यादा दूर नहीं है, एक बार ऐसे ही प्लान बना लो, नगर धन के साथ साथ रामटेक भी घूम कर आओ, रामटेक के साथ साथ रामधाम भी घूम कर आओ, बहुत ही गजब तरीके से। लेकिन उसके लिए परमिशन ले लो अपने घर से, नहीं तो फिर सर ने बोल दिया है, वीडियो बनाने वाले ने बोल दिया है तो हम जाएंगे ही जाएंगे, नहीं इस तरीके के कदम मत उठाना, रिस्की भी होता है ट्रैवलिंग करना, रिस्की भी होता है, इसके लिए परमिशन लेना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से आप देख सकते हो बहुत ही गजब, ये सारा फोर्ट का ही नज़ारा है, आप देखो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर। मुझे तो थोड़ा सा ऐसा भी फीलिंग हुआ कि मैं जो अपना लाल किला जो है वहाँ पर तो नहीं चला गया, इस तरीके का यानी आप देख सकते हो उसी तरीके का यहाँ पर थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, उसी तरीके से आर्किटेक्चर की जो डिज़ाइन वगैरह होंगी थोड़ी बहुत यहाँ पर भी उन्होंने यूज की हुई है, तो बहुत ही गजब वहाँ पर लग रहा था।
और ये हर वक्त खुला भी रहता है, इसका टाइमिंग कुछ तो भी न, अरे टाइमिंग वगैरह का कुछ नहीं है, लेकिन एक जनरल टाइम हम बोल सकते हैं जो अपना शुरू और बंद होने का जो जनरल टाइमिंग होता है, वो जनरल टाइमिंग तो होता ही है सब जगहों पर। आप 10 के बाद भी अगर यहाँ पर चले गए तो भी आपको ये फोर्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा, बहुत ही हरा भरा, बहुत ही गजब तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर जो छोटे छोटे आपको यहाँ पर होल्स दिख रहे होंगे, वहाँ पर ये इस तरीके का अगर बनाया होगा, मैं जस्ट यहाँ पर एक इमिटेशन की तरह यानी कि कल्पना कर सकता हूँ कि जो आपको छोटे छोटे होल्स दिख रहे होंगे जो भी दिखते हैं, तो वो जो है वो कुछ तो भी बंदूक वगैरह रखने के लिए, तोप वगैरह रखने के लिए उन्होंने उस तरीके से मुझे डिजाइन किया हुआ है। हमें वो आपको आगे भी दिखाएंगे वो किस तरीके से है करके। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं आगे की तरफ, जैसे कि आपने देखा है आगे किस तरीके से नज़ारा था, तो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। ये मेरा कजिन ब्रदर है मेरे साथ और मैं उसके साथ गया था। ये जो आप देख रहे हो अंदर की तरफ, ये जैसे रानी की वाव की तरह दिखता है, लेकिन ये रानी की वाव तो नहीं है, लेकिन वहां पर माँ भवानी का वहां पर छोटा सा मंदिर है, माँ भवानी का मंदिर है वहाँ पर अंदर में। अंदर में जाने के बाद ही एक छोटी सी क्या बोलते हैं उसको, वीर जो बोलते हैं अपने इधर कुआं, वो कुआं भी वहाँ पर अंदर है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से यानी अंदर जाना पड़ता है उसमें, और वहाँ पर बोला भी जाता था जी, यानी जब मैं पहली बार वहाँ पर गया था उस फोर्ट पर, तो जो बताने वाले रहते हैं उन्होंने बताया था कि वहाँ पर एक भुयार जो बोलते अंडरग्राउंड जो रोड होता है, अंडरग्राउंड रोड था, और वो जो रोड था यहाँ पर आप थोड़ा सा देख सकते हो, मैं पॉज करता हूँ वो जो बता रहा होता, तो यहाँ पर ये छोटे छोटे होल आप देख रहे हो, तो यहाँ पर वो बंदूक वगैरह रखने के लिए वहाँ पर वो यूज करते थे। तो मैं अपनी बात पर वापस आता हूँ, जब और मेरा जो कज़िन ब्रदर था वो यहाँ पर बता रहा है कि यहाँ पर वो जो क्या बोलते हैं कज़िन ब्रदर वहाँ पर बता रहा था कि जो बड़े बड़े तोप रहते हैं वो तोपों की रखने की जगह है, उस तरीके से वो बता रहा था मुझे। तो और आगे हम बढ़ते गए, तो मैं पिछली बात पर और रिटर्न आता हूँ कि वहाँ पर जब मैंने फर्स्ट टाइम विजिट किया था, तब मुझे वहाँ पर बताया गया था कि वहाँ पर एक अंडरग्राउंड रोड है, और उस अंडरग्राउंड रोड से भंडारा तक के एक अंडरग्राउंड रोड था, लेकिन वो कुछ कारणों की वजह से यानी भंडारा का जो हमारा पांडे महल है वहाँ से भी भुयार और वहाँ से भुयार, तो वहाँ से अंडरग्राउंड होकर के राजा रानी जो भी होते होंगे उस टाइम पर, तो वो वहाँ से ट्रैवल करते थे, वो उन लोगों का कहना था। तो हमें जब हमने अंदर गया, तो जब हम गए थे, अभी तो नहीं गए उस मंदिर में जो हमने अभी मंदिर देखा है, तो उसमें हम नहीं गए थे, लेकिन बोला जाता था कि वहाँ से लेकर के अंडरग्राउंड रोड हमारे भंडारा के पांडे महल तक है, इस तरीके से वो वहाँ पर बातें भी बोली जाती थी। यहाँ पर ये युद्ध के लिए जो रहते हैं उस तरीके से, यहाँ पर ये छोटे छोटे जो आप राउंड राउंड देख रहे थे बाद पहले, तो उस तरीके के राउंड जो युद्ध के लिए थे उस तरीके से वो बना रहे थे। और ये आप बहुत ही गजब तरीके से इस लोकेशन इस एंगल से भी आप इस फोर्ट को देख सकते हो, जो आपको वो दो घूमर के टाइप के दिख रहे होंगे आगे वीडियो में, तो वो जो थे वो एंट्री करने का जो दरवाज़ा था हमारा, वो वहाँ पर लगे हुए हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वहाँ पर प्लेइंग राउंड ये वो सब चीज़ें यहाँ पर रखी हुई है। इस तरीके से मैं कैमरे के साथ खेलता हुआ और कैमरा मेरे साथ खेलता हुआ, कैमरा मेरे साथ टहलता है, मैं उसके साथ टहल रहा हूँ। या यहाँ से मैं दौड़ रहा हूँ, अभी स्टॉप हो गया और आगे धीरे धीरे चल रहा हूँ।
जो की रवानी।